जब मुझे इस वचन का, जैसे इफिसियों 1:19 का अभी हमने पढ़ा ना, इब्रानियों 2:8 का के सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दे, उसके पांव के तले कर दे, और इफिसियों 1:19-20-21 में लिखा ना कि श्रोमणी ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह हमारा सिर है और हम उसकी देह हैं। बोलो क्या है? हम उसकी देह और वो हमारा सिर है। अगर उसके पांव के नीचे है तो सब चीजें हमारे भी पांव के नीचे है। मैं आपकी अपनी गवाही बताता हूं आपको, फर्स्ट टाइम सुनो, जब मैं प्रभु में नया नया आया तो मैंने ये वचन सीखा, समझा। क्या सीखा? तो मैं रात सोया हुआ था, क्योंकि प्रभु में आने से पहले मुझे दुष्ट आत्मा के धब्बे पड़ते थे, दबा। क्या पड़ता था? मैंने दुष्ट आत्मा का दबा पड़ता, जिसे हम धब्बे बोलते हैं, धब्बे। तो मैं अकेला सो नहीं सकता था, ना सीधा सो सकता था। अगर मैं ऐसे सीधा लेट गया तो वो धब्बा पड़ेगा, दबा। प्रभु में आने से पहले शैतान मुझ पर अटैक करता था रोज रात को, इसलिए मैं डर के मारे जैसे मैंने ऐसे उल्टा सोना, उल्टा मतलब ये पीठ वाला ऊपर, ये पेट के बल सोना मैंने, समझ आ रही? तो चाहे मैं ऐसे टेढ़ा टेढ़ा सोना, अगर मैं ऐसे सीधा लेट गया तो वो दबा पड़ेगा, दबा। हर दिन ऐसे होता था, इसलिए मैं डर के मारे ऐसे लेटता था, ऐसे सोता था, और अकेला मैं सो नहीं सकता। और जब मैं प्रभु में आया तो मुझे समझ आई, ध्यान से समझो, जब मैं प्रभु में आया तो मैंने परमेश्वर की सच्चाई को, उसके वचन को समझा कि उसने मेरे लिए क्या किया। तो डर तो पहले का था मेरे अंदर, पर मैं अब समझ गया मैंने डरना नहीं। मैं, मुझे याद है कि मैं अपने रूम में सोया हुआ था अकेला, और उस रात ऐसे फिर से मुझे दबाव पड़ा। क्या पड़ा? दबाव। और ये जब दबाव पड़ा तो ऐसे मेरे किसी ने यहां से मेरे गले को दबा लिया, और मेरा सांस बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, पूरा सांस मेरा बंद, पूरा ऐसे गला दबा लिया मेरा। और मैं झट से, जब मेरी गला दबाया, मेरी आंखें खुल गई, और मेरे घर वाले सारे सामने सोए हुए हैं सामने। तो बोलो क्या है? गर्मियों के दिन थे, तो ऐसे वो लॉबी में ऐसे लेटे हुए थे, तो मैं अंदर था रूम में, दरवाजा खुला हुआ था, तो मेरी आंखें खुल गई, उन्हें मैं देख रहा हूं, और मेरा गला ऐसे किसी ने दबाया, और मैं उन्हें ऐसे हाथ करके ऐसे बोल रहा हूं कि मुझे बचाओ, मेरा किसी ने गला दबा लिया, मेरा सांस नहीं मुझे आ रही। तो मैं उन्हें ऐसे हाथ से ऐसे बुला रहा हूं, ध्यान से सुनो, कैसे बुला रहा हूं, हाथ से ऐसे ऐसे इशारा करके कि मुझे बचाओ, मुझे मेरा किसी ने गला पकड़। तो आवाज तो मेरी निकल नहीं रही, अचानक से मुझे ये वचन याद आया। क्या आया? क्यों लोगों पर शैतान प्रभुता करता है? क्योंकि वचन अंदर नहीं होता। जब मुझे वचन याद आया कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, मैंने वचन को याद किया, और उसी सामर्थ्य से, बोलो क्या है, उसी सामर्थ्य से जो आदम और हवा को दी थी, मैंने उसी अधिकार के साथ उसे कहा, उस वचन के मुताबिक के, तू शैतान पांव के नीचे, मेरे पिता के वचन में लिखा है। बोलो क्या है? तू पांव के नीचे। और जैसे ही मैंने उसे ऐसे कहा, विश्वास से, उस वचन से, एकदम से मेरा गल, उसने मेरे गले को छोड़ दिया, और मैं, मुझे सांस आने, मैं धन्यवाद प्रभु। हाँ, ये बहुत साल पहले की बात है। बोलो क्या है? और फिर से जब मैं ऐसे में फिर से 5-7 मिनट बाद मैं लेट गया, मुझे नींद आ गई, फिर से उसने मेरे गले को पकड़ लिया, फिर मैं डरा नहीं। मैंने शैतान को कहा, तुझे एक बार समझ नहीं आती जो मैंने तूने कहा, तो डर नहीं लगता? और मुझे नहीं पता सुबह कब हुई, और वो दिन और आज मैं उसकी आत्मा से, उसके वचनों के साथ, दिलेरी के साथ आगे आगे बढ़ता गया। आमीन, हालेलुया।